अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मजहर मेहू। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि पाकिस्तान आगे जा सकती है या नहीं जा सकती, इसके पास किस तरीके से चांस है, फुल डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। और चलिए फ्रेंड्स आज का पॉइंट टेबल पहले स्टार्ट कर लेते हैं जी। पहले नंबर पे जी इंडिया है, 5 मैच प्ले किए हैं जी, 5ों ही वॉन है, 0 लूज 0 ड्रा, 10 इसके पॉइंट, इसका रन रेट +1.353 है। दूसरे नंबर पर जी साउथ अफ्रीका आ गई है, न्यूजीलैंड से दूसरी पोजिशन छीन ली है जी साउथ अफ्रीका ने, 5 मैच प्ले किए हैं, 4 वॉन और 1 लूज 0 ड्रा, 8 इसके पॉइंट, इसका रन रेट +2.370 है। सब टीमों से ज्यादा टारगेट, लंबा टारगेट देने वाली टीम है जी ये, और सबसे ज्यादा रन रेट भी इसी टीम का है। और तीसरे नंबर पर जी न्यूजीलैंड है, 5 मैच प्ले किए हैं, 4 वॉन है जी, 1 लूज है और 0 ड्रा है, 8 इसके पॉइंट है, इसका रन रेट +1.481 है। चौथे नंबर पर जी ऑस्ट्रेलिया आ गई है, ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ी सख्त मेहनत की है और उसके बाद माशाल्लाह चौथी पोजिशन पर आ गई है जी, 5 मैच प्ले किए हैं, 3 वॉन 2 लूज 0 ड्रा, 6 के पॉइंट, इसका रन रेट +1.142 है। पांचवें नंबर पर जी श्रीलंका है जी, 5 मैच प्ले किए हैं, 2 विन 3 लूज 0 ड्रा, 4 के पॉइंट, इसका रन रेट -0.205 है। छठे नंबर पर जी श्रीलंका है, सॉरी जी पाकिस्तान है, 5 मैच प्ले किए हैं, 2 विन 3 लूज 0 ड्रा, 4 के पॉइंट, इसका रन रेट -0.400 है। सातवें पर जी अफगानिस्तान है, इसने भी 5 मैच प्ले किए हैं, 2 विन 3 लूज 0 ड्रा, 4 के पॉइंट, इसका रन रेट -0.969 है। आठवें नंबर पर बांग्लादेश, नौवें पे इंग्लैंड और दसवें पर नेदरलैंड है। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स बात करें ये रन रेट जी, तीन टीमों को मैंने नहीं बताया, आप खुद देख लें जी, वीडियो लेंथी हो रही है इसलिए। ठीक है, बात करें जी पाकिस्तान आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो ये शुरू से बात करें जी, 5 मैच इंडिया ने वॉन किए, तो इंडिया आप लगा लें कि इंडिया तकरीबन तकरीबन आगे ही आगे, इंडिया को कोई बाहर करने वाला नहीं है, इंडिया एक टीम कंफर्म है जी सेमीफाइनल में। दूसरी टीम साउथ अफ्रीका को कह सकते हैं कि 70% दूसरी टीम साउथ अफ्रीका है जी सेमीफाइनल में। तीसरी टीम न्यूजीलैंड है 70% सेमीफाइनल में जी। फ्रेंड्स इसलिए मैं कह रहा हूं कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के अभी एक एक दो दो मैचेस हल्की टीमों से हैं जी, जो वो आसानी से जीत के 12 पॉइंट कर लेगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दो टीमें इजीली आगे 70% आगे ही हैं। चौथे नंबर पर जी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के भी जी एक दो मैच लूज अभी बाकी हैं, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी आगे चली जाएगी। मैं भी के मेरा ख्याल तो यही करता है कि ये 4 टीमें सेमीफाइनल में जाने वाली हैं। ठीक है, लेकिन जाहिर है मैं पाकिस्तान से हूं, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा, आप श्रीलंका हैं, श्रीलंका को सपोर्ट करेंगे, तो जब तक बिल्कुल ही कंफर्म नहीं हो जाता कि हम बाहर चले गए, तो तब तक हमें तो आस उम्मीद लगी रहेगी। ठीक है जी, पांचवें नंबर पे श्रीलंका, श्रीलंका फुल बटा फुल अंदर अभी जा सकता है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। पाकिस्तान, पाकिस्तान भी जी कन्फर्म आगे जा सकता है, और जी अफगानिस्तान भी कन्फर्म आगे जा सकता है, बाकी बांग्लादेश के लिए मुश्किल हो गया है। ठीक है, इंग्लैंड के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है और नेदरलैंड के लिए भी काफी मुश्किल हो गया है। ठीक है, ये टीमें लगा लेंगे, इनके पास सिर्फ 30% ही चांस है, बाकी ये 70% बाहर हैं। बाकी जो टीमें हैं जी, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनके पास अभी मैचेस हैं और इनके पॉइंट भी 4 हैं जी। पाकिस्तान अच्छा जी किस सूरत में आगे जा सकता है, अपने 4ों मैचेस ये जीत जाए तो ये आगे है, अगर ये अपने 4ों मैचेस जीत जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल मुझे होता हुआ नजर आ नहीं रहा, अल्लाह करे हो जाए बाकी। लेकिन अगर ये 3 मैच जीतता है, अगर ये 3 मैच जीतता है तो फिर अगर मगर के खेल में होगा, अगर मगर के खेल में शायद के आगे चला जाए, क्योंकि 10 पॉइंट तो हर टीम के 100% हो जाने हैं, यानी कि ऊपर वाली 4 टीम है ना, इन्होंने 100% 10 पॉइंट तो करने ही करने हैं जी। तो पाकिस्तान 3 मैच जीतेगा तो 6 और 4 10 होगा, तो 10 पॉइंट के साथ जी अगर मगर के खेल में तो चला जाएगा, लेकिन अगर 4था मैच भी जीत लेता है तो जी फिर ये जी रन रेट पर बात आएगी, और रन रेट की बिना पर देखते हैं जी, पाकिस्तान माशाल्लाह सबसे पीछे है रन रेट पे, लेकिन फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी मैच फिर हारेगी और न्यूजीलैंड या उनमें से कोई भी टीम मैच हो सकता है कि 10 पॉइंट पे ही रहे और पाकिस्तान के 12 पॉइंट हो जाए, यानी कि अगर 4ों मैच जीतती है तो पाकिस्तान के 70% चांस है जी आगे जाने के, और अगर 3 मैच जीतती है तो फिर 40% चांस है जी आगे जाने के, और अगर 2
ही जीतती है तो फिर 100% बाहर है। तो फ्रेंड सेम यही श्रीलंका के लिए है, यही अफगानिस्तान के लिए है। तो बांग्लादेश भी अपने सारे मैचेस जीते, सारे मैचेस जीत के जी ये 10 पॉइंट कर लेगी, तो 10 पॉइंट के साथ जी ये अगर मगर के खेल में शामिल हो जाएगी। इंग्लैंड को भी जी सारे मैचेस जीतने हैं अगर मगर के खेल के लिए, और सेम टू सेम नेदरलैंड, नेदरलैंड को भी सारे मैच जीतने चाहिए जी अगर मगर के खेल में, कंफर्म के लिए ये बाहर हैं जी। कंफर्म जो है वो श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहने के 100 में से 70% अगर ये चली जाएंगी, अगर अपने ये चार चार मैचेस जीत जाती हैं, 3 मैचेस जीतने के जीतेंगी तो ये अगर मगर के खेल में जाएंगी। तो बाकी फ्रेंड्स अब तक यही अपडेट है, और भी ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।